जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर बने तो वो एक दिन रेस्टोरेंट पर लंच पर गए और इनके साथ उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रेस्टोरेंट गए और सब लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और अपने खाने आने का इंतजार कर रहे थे। नेल्सन मंडेला ने देखा कुछ ही दूरी पर एक और आदमी अपने खाने आने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, उस आदमी को यहाँ बुलाओ और हमारे साथ खाने का बोलो। वो आदमी नेल्सन मंडेला की टेबल पर आया और सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो आदमी फौरन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद नेल्सन मंडेला के बॉडीगार्ड ने नेल्सन मंडेला से कहा, खाना खाते वक्त उस आदमी के हाथ कांप रहे थे, शायद उसकी तबीयत खराब थी। नेल्सन मंडेला ने कहा, नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल वो आदमी जिस जेल में मुझे कैद करके रखा गया था वहाँ का जेलर था। वो मुझे जेल में बहुत मारता था और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था, और जब मैं मार खा कर थक जाता था तो उस जेलर से पीने के लिए पानी मांगता था। वो जेलर मेरे मुंह पर पेशाब कर देता था और अब मैं यहाँ का सदर हूँ। और उस जेलर ने सोचा होगा जैसा मैं इसके साथ जेल में करता था, और ये अब भी मेरे साथ भी ऐसा करेगा। इस वजह से खाना खाते वक्त उस जेलर के हाथ कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने कहा, मैं बदला लेने पर यकीन नहीं करता और ये मेरी नेचर नहीं है।